आगे बात करेंगे और चीज़ों के साथ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, और वो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह पानी में आग लगाया जाता है। हाँ, पानी में आग लगाया जाता है, सही सुना। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो में, हम लोग केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके प्रियम सर, क्या कर रहे हैं आप? हैं? ओ वाह, कैमरा लेके आ गए? नहीं मतलब जा रहे थे हम बाहर, तो थोड़ा सा तो सभी रहते हैं दिख गए आप मकानों में, अच्छे रूम में, एसी में। तो कबूतर वाला उजाड़ क्यों रहे हैं इसको आप? अरे मैं इसमें मैं रहूंगा, हट जाइएगा। हाँ मैं हट जाऊंगा, क्योंकि सब रहते हैं बड़े बड़े मकानों में, इतने जो हमारे पक्षी पशु पक्षी हैं वो धूप में रहते हैं। खास करके पक्षियों की बात करें तो बहुत सारे धूप में रहते हैं, पक्षियां इसमें रहते हैं जहाँ पर मैंने लगाया हुआ था पहले, लेकिन शायद इसमें नहीं रह रहे हैं। हो सकता है कि वो हीट हो जाना ज्यादा, पता नहीं, ये सब में रहते हैं लेकिन इसमें नहीं रहते। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार हम इसमें आकर के देखें। तो ये अच्छी बात है कि पक्षियों के लिए हम उसका घर बनाते हैं। कुर्सियां लेकर आइए। पुण्य का काम भी देखा जाए, आइए जरा। हेलो गाइस, कदुआ बन रही चली, चलिए महाराज। तो प्रेम सर जा रहे हैं कुर्सी लेकर के, इसको तो टोंग बोलते हैं गाइस। यहाँ पर लगाएंगे इस पक्षी के घर को, इस पक्षी के घर को लगाएंगे, और हम पक्षियों को सेव करना चाहते हैं धूप से। इसको फिर खाने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, उसके बाद कुछ पानी के लिए व्यवस्था करेंगे। ये पंछी राजा नहीं लग रहा हमारा, रोबोट 2.0 वाला? नहीं, उनमें तो बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि पक्षी का जो है उसने गलत उपयोग किया। ये अंबानी 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 बर्बाद कर रहा पक्षियों को। हाँ कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर थोड़ा सा उसे प्रभावित तो हो रहा है। हम चाहेंगे इसको अच्छे से एक बार लपेटें। माता श्री आ चुकी है, माता श्री, मम्मी जी, मम्मी मेरी आदेश दे रही है, मम्मी के आदेशानुसार ये चीज हो रहा है। मेरी माता मेरे से ज्यादा बड़े पक्षी को, पक्षी प्रेमी है, पक्षी को बहुत ज्यादा प्रेम से रखते हैं माता मेरी, और खास कर कबूतर को, क्योंकि कहा जाता है, किसी ने कहा है कि कबूतर जो होता है वो क्या होता है, घर की लक्ष्मी होती है। अब मम्मी लक्ष्मी के चक्कर में इतना कबूतर पाल लिए हैं कि घर में उतना इंसान नहीं जितना कबूतर है, और इसीलिए उनका कुछ फैसिलिटीज, हम तो रहते हैं रूम में अच्छे ठंडे से रखते हैं उसको, एसी लगा के रखते हैं, पंखा लगा के रखते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, फूस डालते हैं। ये एसी का काम करता है इसका, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लगा दिए, थोड़ा सा फूस भी डाल दिए इसमें, इसको थोड़ा साफ भी कर देते हैं जितने भी जाले लगे हुए हैं मकड़ी के। अब इसमें थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करते हैं, फिलहाल एक और लगा दें ताकि एक और पक्षी यहाँ पर एक अपना परिवार बसा सके। अब पक्षियाँ जो होता है हमारे इंसान की तरह ही होता है, उनके परिवार होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं। देखो आ गई चिड़िया रानी, नन्ही सी जान, नन्ही सी जान। अब मैं सर्च करने वाला हूँ कि पक्षी अंडे दिए हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दो अंडे दिए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखो देखो, प्रेम सर के घर में कबूतर ने दिए अंडे, ठीक है। अब चलते हैं एक और, इसमें लगाने का कुछ उपाय करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक अनोखा दिखाने वाला हूँ, ये तो आपने देखा टीन का बना हुआ, मिट्टी का जो पुराने जमाने में चलता था, मिट्टी का जो बना हुआ होता था वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस चलिए आते हैं। गाइज आइडिया खत्म हो गया वाला, मिट्टी वाला आपको दिखा देते हैं, यहाँ लगाएंगे वो नीचे ही, ठीक है, क्योंकि नीचे कबूतरों का बहुत बड़ा झुंड रहता है, छत में बहुत रहते हैं, मतलब कबूतर कुछ इस कदर से मेरे घर में हावी हैं, यहाँ आके सारे रेस्ट करते हैं, बताइए, पर्दे वाले में आकर के रेस्ट करेंगे। देखो भाई, हम लोग गया है अभी थोड़ा सा, हम लोग सोच रहे थे कि इसको ले जाकर के वहां पर सीट करें, लेकिन ये लग रहा है कि टूट क्रैक आ गया है इसमें, इसलिए यहीं पर रहना ये सही है अभी,
तत्काल इसको फिर चेंज करना है, दूसरा लगाएंगे क्योंकि इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, इसका घर अभी शिफ्ट नहीं करते। नेक्स्ट जब मटका वाला रहता कौन है, कौन सा कबूतर रहता है जिसमें कबूतर नहीं रह रहा है, अभी मैं दिखाना चाहूंगा इसमें कॉर्क फंसा हुआ है। ठीक है, चिड़िया बैडमिंटन वाली चिड़िया, बैडमिंटन वाली चिड़िया है तो चिड़िया लेकिन बैडमिंटन वाली चिड़िया है। अब इसके लिए पानी का कुछ व्यवस्था कर देते हैं छत पे, ताकि पक्षी जो है पानी भी पी सके आसानी से। कुछ गेस्ट भी आए हैं यहाँ ना, चलिए गाइस ये आते हैं प्रसाद लेकर के आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं वो जस्ट। हाँ माता जी बोल रहे हैं कि पक्षियों का सेवा करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हरी साला री शांति मिलती है। अब सोच रहे हैं कि पक्षियों के लिए थोड़ा पानी का व्यवस्था कर दें ताकि वो प्यासे ना रहें, ऐसे मैं डेली करता हूँ। और आज थोड़ा शिफ्ट भी करना पड़ा कुछ उनके घरों को, तो चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे से पानी की इसका व्यवस्था कर दिया जाए। इसमें कुछ पानी दे देते हैं ताकि उसको पीने में बहुत सारे पक्षी एक साथ पी सकेंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसमें जो है पानी का कुछ मात्रा डाल देते हैं। मैंने बोतल कहाँ रखा, ये रहा बोतल, इसमें पानी भरे हुए हैं लेकिन कुछ इसमें पानी को खाली कर देंगे और इसमें ताज़ा पानी डालेंगे ताकि उसको उसमें जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो पानी पी करके भी। लग रहा है कि पानी है, हाँ पानी मिल गया, हमको लगा पानी नहीं आ रही है नल में, नलका में पानी आ गया है। अब इसको जो है हम डाल देते हैं पक्षियों के लिए। चलो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि पानी बहुत बहुमूल्य पदार्थ बन चुका है। अभी हमने इसमें जितना हो सके पानी डाल दिया है इस कंटेनर में, पक्षी आराम से इस पर आकर के पी सकते हैं इस पानी को। ठीक है, और यहाँ पर पक्षी अपना बसेरा डाल सकते हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3 और 1, 4 चार शिफ्ट हो गया है। इसमें देखिए कबूतर जो है बैठा हुआ है, अभी निकले कबूतर जिसमें अंडा था, है ना। तो चलिए इस समय बस इतना ही और आगे बात करेंगे और चीज़ों के साथ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है, ठीक है ना, और वो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह पानी में आग लगाया जाता है। हाँ पानी में आग लगाया जाता है, सही सुना। तो चलिए देखते हैं अगला वीडियो में, हम लोग केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके ओके देन।